एवरीवन, और मैं हूँ अभी भी तवांग में। मैं मॉनेस्ट्री जा रहा हूँ, तवांग मॉनेस्ट्री घूमने के लिए थोड़ा। और आज का और प्लान ये है कि आज मुझे परमिट बनाना है कल के लिए, और मुझे कोई शेयरिंग टैक्सी मिली नहीं, इसलिए यहाँ पे एक जो यहाँ पे हॉस्टल में मैं है मेरे साथ, सो उनके साथ आई गेस प्लान करूँगा कल फॉर्म दिला जाने का। बाहर की फॉग काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टेट में ऐसा है कि आपको अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं देन आप किसी खुद की व्हीकल लेके आएँ या बाइक या जो भी लाभ ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप ग्रुप में नहीं है तो यहाँ पर ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है। ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, लाइक ये सामने डोर्स एंड विंडोज़ दिख रहे हैं, ये बस दीवारें बने हुए हैं, ये एक्चुअल में डोर्स एंड विंडोज़ नहीं है। बाकी ये यहाँ की लाइक मेन मार्केट है। रोड की भी लाइक बारिशों की वजह से मेरी खराब ही अभी। पीछे काफ़ी ज़्यादा फॉग हो रखी है। यहाँ के घर भी काफ़ी अच्छे हैं, कलरफुल टाइप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। इवन कि लाइक छोटे घर भी देखो कितने अच्छे से सजाए हुए हैं उन्होंने। आई गेस ये है मॉनेस्ट्री एंट्रेंस में भी, तो देखना पड़ेगा। मॉनेस्ट्री के राइट साइड में पार्क जैसी है। ओम मणि पद्मे हम। एक्चुअली ये एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर लिखा हुआ है लाइब्रेरी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर स्टडीज। अच्छा, लाइब्रेरी वाला पार्ट बस ये था जहाँ से जिसके नीचे से मैं निकला, और यहाँ पे हेल्थ सेंटर है, हेल्थ केयर सेंटर। अच्छा, यहाँ कई सारे रास्ते हैं, एक ये है, एक ये है, नहीं है, इसी तरह से चलते हैं। ये राइट में है सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर स्टडीज। हम नॉट श्योर यहाँ से एंटर करने देंगे कि नहीं। स्कूल है, स्कूल, सो यहाँ पे लिखा हुआ है नो एडमिशन, तो फिर लेफ्ट साइड से जाते हैं। बीच में कुछ बना हुआ है, जो ये है बुद्धा टेम्पल है। चलते अंदर। यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हैं एंड सारा तिब्बतन में लिखा हुआ है। एंड यहाँ बस पेंटिंग्स ही हैं। बुद्धिस्तव समन्था बद्रा है माधव उद्धा की।
किसी कंस्ट्रक्शन इस तरह से लाइक 30 पिलर्स की कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। चलिए अब कैमरा बंद करके थोड़ा ध्यान लगाते हैं यहाँ पे। गौतम बुद्ध जी का टेम्पल, अब चलते हैं म्यूजियम में। यह है म्यूजियम फॉर फुटप्रिंट्स। बुद्धा स्टैचू ये एक्चुअल में शॉर्ट गन की शेल्स हैं और नॉर्मल गन के भी। पहले आपने यहाँ पे गन्स और थोड़े एम्यूनिशन और डिफेंस के लिए चीज़ें रखी होगी, देखी होगी। इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू उस टाइम का जब तिब्बत पे चाइना ने अटैक किया था, उस टाइम पे कुछ स्टोरी है। उस टाइम लगे तिब्बत में काफ़ी सारी उस टाइम वेपन्स वगैरह थे जस्ट फॉर डिफेंस पर्पज, तो ये मेनली आई गेस उसी से रिलेटेड है ये सब। अभी ऊपर भी हैं, अभी ऊपर भी चलते हैं। अनाउंसिंग ड्रम्स भी आई गेस। ये फोटोज मेनली पॉलिटिशियंस के हैं जो तवांग मॉनेस्ट्री में आए हैं। सो ये है मंडला। बाकी मोस्टली ट्रेंसेस है बाकी। जो ये मंडला है इसके बारे में जितना मैंने भी पढ़ा
उससे थोड़ा बहुत समझ आया कि ये एक मैंशन टाइप ही है उसकी, फिजिकल थ्री डायमेंशनल शेप है, फोर वॉल्स हैं और एक तरह से मेडिटेशन के लिए प्रॉपर मेडिटेशन का यूज़ किया जाता है इसे। मैंने दूसरे मास्टर को भी देखा हुआ था इस तरह से ये फिल करके रखा हुआ पानी से। नेक्स्ट ये एक और एंट्रेंस है यहाँ पे, यहाँ पे एंट्रेंस टिकट है यहाँ पे 20 रुपये की म्यूज़ियम में, जो कि बहुत काफ़ी कम है। एंड वहाँ पे आप देख रहे हैं सामने ये एक्चुअली पत्थर से कुछ बन रहा है, पत्थर को ग्राइंड करके पूजा करने के लिए। बीच में काफ़ी बड़ा पिलर्स है, ऊपर छोटे छोटे फ्लैग्स हैं। हाँ इस वाली बिल्डिंग में मेंशन नहीं किया कि ये क्या है, मे बी रेजिडेंस के लिए हो। बाकी ये पीछे से यहाँ के भी रास्ता है, थोड़ा सा यहाँ से भी घूम के आते हैं। मोस्टली आई गेस रेजिडेंशियल एरिया, ये गेट लगे हुए हैं। हाँ हम बाकी फूड वगैरह काफ़ी ज़्यादा है रखी है यहाँ पे, मैं भी मोस्टली चाहिए खाना बनाने के लिए होगी। हेलो, अभी तक तो सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया दिख रहा मुझे, आगे देखते हैं। बाकी मैंने अंकल से पूछा, इन्हें बताया कि मोस्टली रहने का है, हालांकि आई एम नॉट श्योर कि उनको समझ आई कि नहीं है कि जो मैंने बोला। पहले यहाँ का राउंड मारता हूँ एक, काफ़ी ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन है इसकी। अब यहाँ पर ने कुछ खास इंस्ट्रक्शन दी नहीं है कि अंदर कैसे ना, मैं तो चप्पल उतार के जाऊँगा बट फिर भी ये गाई गेस स्टूपाज हैं जो किसी की मेमोरी में बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे भी वैसा ही है, देखिए पानी से भरे हुए बर्तन। तो ये थी तवांग मॉनेस्ट्री। एक्चुअली मैं आते टाइम काफ़ी लंबे रास्ते से आया था क्योंकि मुझे डीसी ऑफिस भी जाना था। अभी मैं कोई और रास्ता देखता हूँ मैप में जितना कुछ दिख रहा है। बाकी यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शांति थी और लाइक बुद्धिज़्म मेनली एक चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ मैं कि आपको वो लाइक दे डोंट इम्प्लाइज देमसेल्व्स ऑन अदर सेल्फ अदर पीपल, लाइक ज़ोर ज़ोर से जो कहते हैं ना कि नीड नॉट टू बी लाउड टू स्प्रेड योर टीचिंग्स, वो वाला फिलोसफी है इनकी। लाइक बिल्कुल शांति से, बिल्कुल ना ज़्यादा, क्योंकि अभी मैं जब अंदर गया था वहाँ पे एक लाइक लामा थे जो एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बिल्कुल आराम से विदाउट एनी लाइक एनी इम्प्लीफिकेशन वैसे वो सबको समझा रहे थे। सो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। इसलिए फिर से मॉनेस्ट्री में आया हूँ, मुझे एक दो चीज़ें और देखनी थी। ये देखिए पीछे मॉनेस्ट्री से पीछे का कितना सुंदर व्यू है, वो देखिए पहाड़ों के बीच में वो घर भी हैं, कैसी लोकेशन पे उन्हें घर बनाए हुए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अभी फॉग वगैरह हट गई है और ये देखिए पूरा यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिख रहा है। सो ये थी तवांग मोनेस्ट्री और अब चलते हैं वापस। ये रास्ता है शॉर्टकट है शायद, ये कहीं देखते हैं कहीं ना कहीं तो ले ही जाएगा। तो ये इस वाले पार्ट का एग्जिट है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे मंत्र वाले रोलर्स हैं और अगेन उसी तरह का गेट है। जी तवांग में मैंने ये पहले हिंदू टेम्पल देखे हैं। मार्केट के बीच में ये पीछे छोटी सी मॉनेस्ट्री है, या मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बट मॉनेस्ट्री टाइप ही लग रही है।